क्या आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी पढ़ाई केवल 12वीं कक्षा तक की हुई है? आप एक नौकरी की तलाश में हैं? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी, जिसमें आप 10,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये प्रति माह कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि कैसे इस नौकरी के लिए आवेदन करें और कैसे इसे प्राप्त करें। इस नौकरी में आवेदन के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके अंदर एक खाता बनाएं। तो दोस्तों, इसमें आपको ये सर्च वाले हिस्से में जाना है। इसके बाद इसके ऊपर टैप कर दीजिए और आपको यहाँ पर डालना है डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये देखिए, यहाँ पर आ गया डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए, आपके सामने डाटा एंट्री ऑपरेटर की दिल्ली के अंदर जितनी भी नौकरियाँ हैं वो सारी आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, इसके सामने आपको दिख रही है आपको महीने की तनख्वाह कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर 14,500 से लेकर के 19,500 रुपये है, यहाँ पर 10,000 से 12,000 है, यहाँ पर 8,000 से 10,000 है, यहाँ पर 12,000 से 32,000 है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस कंपनी में कितने लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर 4 लोगों को रखा जाएगा, यहाँ पर 9 लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा, यहाँ पर केवल एक ही बंदे को नौकरी पर रखा जाएगा, यहाँ पर 3 लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा। इस नौकरी के लिए आपको अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास अनुभव नहीं भी है तो भी आप इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई अगर 12वीं कक्षा तक की है तो भी आप इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये इलाका कौन सा है। तो यहाँ पर ये साकेत में है, ये लाजपत नगर में है, ये रोहिणी वेस्ट में है, ये ओखला में है, ये दाबरी मौज के पास है, ये न्यू दिल्ली में है, ये देखिए ये जनकपुरी एरिया में है। तो अब आपको अगर अप्लाई करना है, यानी कि आवेदन करना है, तो कैसे करेंगे इस नौकरी को हम आवेदन करेंगे? तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शो मोर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको इस नौकरी के लिए कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं वो दिख रही हैं। आपके पास एक स्मार्टफोन होना ज़रूरी है, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और अपना आधार कार्ड भी होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। सबसे पहली बात तो आपको अलग अलग फाइल टाइप्स और फाइल सिस्टम्स का ज्ञान होना चाहिए। जो कंप्यूटर में अलग अलग फाइल सिस्टम्स होती हैं और अलग अलग टाइप की फाइल्स होती हैं, उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। आपको इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए और इंटरनेट के ऊपर जानकारी को कैसे खोजना है इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपके पास या तो कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करने का अनुभव होना चाहिए, या तो आपके पास COPA जैसे जो कोर्सेस होते हैं जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए या डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होते हैं, उसका सर्टिफिकेट होना बेहद ज़रूरी है। और आपकी उम्र जो है वो 18 साल से 38 साल के बीच में होनी चाहिए। तो ये इस नौकरी की ज़रूरतें हैं। इस नौकरी के लिए आपको थोड़ा अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है और ये नौकरी जो है वो डाबरी मोर जनकपुरी साउथ में है। इस नौकरी के लिए आपका इंटरव्यू जो है वो इन पर्सन लिया जाएगा, यानी कि आपको समक्ष बिठा करके ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब अगला चरण आपको ये करना है कि यहाँ पर अप्लाई फॉर जॉब के ऊपर क्लिक करना है। तो ये हमारे आवेदन का अगला चरण है। तो अब देखिए, आपको कहा जा रहा है HR को एप्लीकेशन भेजें, यानी कि आपका आवेदन भेजें। तो यहाँ पर एप्लीकेशन भेजें के ऊपर क्लिक कर दीजिए और ये देखिए, मेरा आवेदन उन तक पहुंच गया है। तो इस तरीके से आप इस नौकरी के लिए आवेदन भेजेंगे। तो ये थी नौकरी आपके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की। अगर आपको और नौकरियां देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक्स दी हैं, उन लिंक्स के ऊपर जाकर के आप और भी ढेर सारी नौकरियां देख सकते हैं।